हेलो दोस्तों, वेलकम टू अनदर वीडियो। दोस्तों आज हम बनाएंगे बिना तेल के एकदम चटखारेदार पकोड़े। तो चलिए शुरू करते हैं बनाना। इसके लिए हमने कुछ सामग्री लिया है, और ये लिया है हमने एक कटोरी चना दाल और चौथाई कटोरी छिलका वाली उड़द दाल। इसे हमने रात भर भिगा के छोड़ दिया था और इसे अच्छे से धो के साफ कर लिया है। और ये हमने लिया है 7-8 हरी मिर्चें और 15-20 लहसुन की कलियाँ। तो यहाँ पे आधा दाल को हमने मिक्सर में इसका पीस के इसका पेस्ट बना लिया है। पीसते समय ध्यान दें कि कम से कम पानी का इस्तेमाल करें, बहुत ज़रूरत महसूस हो तो 1 या 2 चम्मच पानी का इस्तेमाल करें। और ये बाकी के बचे हुए दाल को भी हम पेस्ट बना लेते हैं। तो उसी दाल में हम डाल देंगे लहसुन और मिर्चा और डाल देंगे 2 चम्मच जीरा, 1/2 चम्मच कुटी हुई काली मिर्च और ये 2-3 चुटकी हींग। हींग को आप जरूर डालें और स्वाद के अनुसार 2 चम्मच नमक। ढक्कन लगा देंगे और इसका पेस्ट बना लेते हैं। यहाँ पे देखिए हमने बची हुई दाल का भी पेस्ट बना के तैयार कर लिया है। तो इसे भी हम उस बर्तन में निकाल लेते हैं और ये हमारा दाल का पेस्ट बनके तैयार हो गया है। तो इसमें मसाले मिक्स करते हैं। 1/2 चम्मच हल्दी पाउडर, ये 1 चम्मच चाट मसाला, और अब इसे 1 चम्मच की सहायता से अच्छे से मिक्स कर देंगे और ये हमारा दाल का मिश्रण बनके तैयार है। तो चलते हैं पकोड़े बनाने। यहाँ पे हमने लिया है अरवी के पत्ते और इसे हमने 1 घंटे पहले धो के साफ कर लिया था अच्छे से और इसे रख दिया ताकि इसके पानी अच्छे से निकल जाए। और जब पानी निकल जाता है तो इसे बनाने में बहुत ही आसानी होती है। तो चलिए शुरू करते हैं बनाना। इसके लिए हमने एक बड़ी सी थाली लिया है और उसे उल्टा करके इस तरह से रख देंगे और उसके ऊपर रखेंगे पहले सबसे बड़ा पत्ता। और अब चलते हैं गांव वाले देसी स्टाइल में पकोड़े बनाने। तो इस तरीके से हम दाल का पेस्ट लेंगे और पत्ते के ऊपर लगाते जाएंगे और फिर एक छोटा पत्ता रखेंगे और इसी तरीके से हम दाल का पेस्ट लगाते जाएंगे और पत्ता को रखते जाएंगे। पत्ते को हमेशा उल्टा रखना है जिससे बनाने में बहुत आसानी होती है। इसे एक बार जब जरूर बनाइए, बहुत ही लाजवाब लगता है। और यहाँ पे हमने 8-9 पत्ते लगा लिए थे और अब साइड से इस तरीके से मोड़ देंगे। थोड़ा सा मिश्रण ज़्यादा लगाएंगे और साइड से मोड़ देंगे, ये बहुत आसानी से चिपक जाता है। और अब आगे का हिस्सा इस तरह से पकड़ते हुए इसे मोड़ते हुए हम बना लेंगे पकोड़े। शुरू में थोड़ी सी परेशानी तो होगी पर जब ये एक बार फोल्ड हो जाएगा तो आसानी से बन जाएगा। और इस तरीके से बस टाइट हाथों से इसे मोड़ते जाएंगे। तो बस इस तरीके से हम बना के तैयार कर लेंगे और ये हमारा पकोड़े का रोल बनके तैयार हो चुका है। इसे गांव में, हमारे गांव में इसे लोढ़ा कहते हैं। और ये रोल को इस तरीके से साइड से भी हम दाल का पेस्ट लगा देंगे। तो बस इसी तरीके से हम बाकी के बचे हुए पत्तों से भी रोल बना के तैयार कर लेते हैं। और बस जैसे हमने पहली बार बनाया है उसी तरीके से हम सारे पत्ते को इस तरीके से पेस्ट लगाते हुए बना के तैयार कर लेंगे। और दोस्तों अगर मोड़ने में थोड़ी दिक्कत हो रही हो तो ये जो बीच में मोटी सी डंठल होती है इसे चाकू की सहायता से काट के निकाल दें, फिर ये बहुत आसानी से मोड़ने में आसानी हो जाएगी। और यहाँ पर देखिए हमने बना के सारे रोल तैयार कर लिए हैं। चलते हैं इसे पकाने। और यहाँ बड़े से बर्तन में हमने रख दिया है 1.5 से 2 लीटर पानी। आँच को तेज कर देंगे और इसे गर्म होने देते हैं।
और अब चेक कर लेते हैं। तो देखिए पानी बहुत अच्छे से गर्म हो चुका है और इस पे हम रख देंगे एक जाली वाला प्लेट। अब इसमें हम लगा देंगे थोड़ा सा तेल और एक एक करके सभी रोल को इस पे जाली वाले प्लेट पर रख देंगे। ये हमने 5 रोल बना के तैयार किया है और ये 5 रोल बहुत ही आसानी से इसमें आ जाएगा। तो अब लगा देते हैं ढक्कन और आंच को मीडियम कर देंगे और इसे पकने देते हैं 20 से 25 मिनट के लिए। अब लगभग 25 मिनट हो चुके हैं तो इसे चेक कर लेते हैं एक चम्मच की सहायता से। तो इस तरीके से जब हम चम्मच को दबाएंगे रोल में तो बहुत ही सॉफ्ट सा महसूस होगा, तो यानी कि हमारा ये पकौड़ा जो है वो पक चुका है। हमारे गांव में तो इसे रिकवच बोलते हैं, आपके यहाँ क्या बोलते हैं कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो अब ये एक रोल हमने निकाल लिया है गर्मा गर्म और इसके छोटे छोटे पीस कर लेते हैं और ये गर्मा गर्म ही सर्व करेंगे। तो दोस्तों आपको वीडियो अगर अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए और चैनल पर नए हों तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और ये इस तरीके से हमने पकौड़ा बना के तैयार कर लिया है, वो भी बिना तेल का। अगर आप चाहें तो इसे तेल में फ्राई करके भी खा सकते हैं, बहुत ही टेस्टी लगता है। तो अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा और वीडियो पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।